ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के बारे में और अच्छी तरह जानते हैं। तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, और एक लीप ईयर में 366 डेज। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। तो अगर मैं 360, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, हमें सब पता है। तो 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड दूं, तो 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स, और उसके बाद वन रिमाइंडर बचता है। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में वन ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर को अगर मैं देखूं 366 को 7 से डिवाइड दूं, तो 52 हफ्ते हो गए और कितने ऑड डे हो गए? 2 ऑड डे हो गए, क्योंकि इसको डिवाइड देते हैं तो 2 रिमाइंडर बचती है। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर यानी कि एक दिन, एक लीप ईयर यानी कि 2 दिन, राइट? तो अब आप इसी यही समझिए कि एक ईयर यानी कि एक दिन, एक लीप ईयर यानी कि 2 दिन, राइट? बाकी क्योंकि हफ्ता गोल गोल घूम के उसी जगह पे आ जाती है, उसके बाद जो जितने भी दिन बचते हैं वो ऑर्डिनरी और लीप ईयर के ऑड डेज कहलाते हैं। तो अगर मैं ब्लॉक्स में देखूँ, पहले 100 साल अगर मैं देखूँ, जब शताब्दी शुरू हुई थी तो 1 से 100 में हुई होगी, तो पहले 100 साल में कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, कितने लीप ईयर होंगे? ध्यान देने वाली बात है, 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, बिकॉज 100 शताब्दी वाला साल है, लेकिन वो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड दूं, तो 25 होते हैं, यानी कि 25 लीप ईयर और 75 ऑर्डिनरी ईयर होने चाहिए। लेकिन चूंकि 100 शताब्दी साल नहीं है, तो इसका मतलब 24 ऑर्डिनरी लीप ईयर होंगे और 24 लीप ईयर्स होंगे एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर के एक दिन यानी कि 76 इंटू वन डे, और लीप ईयर के दो दिन यानी कि 24 इंटू टू, तो कितने हो गए? 48। तो 76 प्लस 48 कितना हो गया? 124। 124 दिन ऑड डेज होते हैं, पहले 100 साल में हुए होंगे। तो 124 को अगर मैं 7 से डिवाइड दूं, तो कितना रिमाइंडर आता है? 5। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन अब हो गए? अब हो जाते हैं 5 ऑड डेज। एक 100 साल के ब्लॉक में 5 ऑड डेज होंगे। अब अगर 100 को 200 बना दूं, यानी कि 1 से 200 साल का अगर हो गया, तो कितने होंगे? डबल हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। 10 में से एक वीक तो आप हटा दीजिए, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 10 ऑड डेज में से 7 माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 ऑड डेज हो गया। तो एक 200 साल के ब्लॉक में 3 ऑड डेज होते हैं। अगर मैं 300 कहूँ, तो 5, 10, अब 300 का हो गया ब्लॉक, अब ब्लॉक जो है वो 300 साल की हो गई है, तो कितने दिन हो गए? 15 ऑड डेज। तो 15 ऑड डेज, उसमें से अगर मैं 2 हफ्ते माइनस कर दूँ, 2 वीक्स माइनस कर दूँ, क्योंकि 2 हफ्ते होते हैं 15 दिन में, 2 हफ्ते आ जाते हैं, उन 2 हफ्तों को माइनस कर दीजिए, तो कितना ऑड डे होता है? 1 ऑड डे। यानी कि 300 साल के ब्लॉक में 1 ऑड डे होता है, और 400 साल के ब्लॉक में कितना होना चाहिए? 5, 10, 15 और 20 तो होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि 400 लीप ईयर है, यानी कि एक और एक्स्ट्रा डे आएगा लीप ईयर में, तो 20 प्लस 1, 21, 21 यानी कि 0, क्योंकि 3 हफ्ते पूरे पूरे हो गए, तो एक 400 साल के ब्लॉक में 0 ऑड डे होते हैं। अब फिर से हम ध्यान रखें, एक 100 साल के ब्लॉक में 5 ऑड डे, 200 साल के ब्लॉक में 3 ऑड डे, 300 साल के ब्लॉक में 1 ऑड डे, और 400 साल के ब्लॉक में 0 ऑड डे। यानी कि अब अगर आप देखेंगे कैलेंडर, हर कैलेंडर एवरी 400 साल के बाद पूरी तरह रिपीट होती है, दिन और डे। आज अगर 2015 है, 2415 का कैलेंडर दिन और डे पूरी तरह सेम होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे टू फाइंड अ डे ऑफ एट ए पर्टिकुलर डे।